इन्होंने कोरोना काल में बहुत सी सेवाएं हैं और बहुत सारे वैक्सीनेशन कैंप भी लगवाए हैं। उसके बाद सेवा भारती से सब प्रकार की डॉक्टर शिव सचदेवा जी जो की कमाना रतन के नाम से जाने जाते हैं, रमन मरिया, लवली मरिया, ललित जी, सनातन धर्म मंदिर से वैक्सीनेशन कैंप में बहुत बड़ा योगदान दिया और लगातार हजार से भी अधिक लोगों को वैक्सीनेशन लगाने का काम किया है। हमारे सारा अरेंजमेंट इन लोगों ने किया है, दिन रात मेहनत कर लिया, तो ये सम्मान के हकदार हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी हमने इस मंदिर में 2 से 3 कैंप लगा चुके हैं जो कि बड़ी सफलतापूर्वक रहे हैं। पहले 45 से 60 वर्ष की आयु के कैंप में हमने टीकाकरण करवाया था, आज मौका मिला है कि ओपन टीकाकरण जो 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक लगाया जा रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के, ये उन व्यक्तियों के लिए लगाया गया है जो लोग इंटरनेट चलाना तो जानते हैं बट उसमें रजिस्ट्रेशन या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं कर पा रहे थे। मैं तो आपके माध्यम से ये अपील करूँगा स्वास्थ्य विभाग से और सरकार से कि ऐसे पैरेलल कैंप हफ्ते में कम से कम 2 जगह या 2 बार लगाए जाएं, जिसमें जो लोग हैं जो सिर्फ नेट चलाना जानते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते उनके लिए ये ओपन रजिस्ट्रेशन का कैंप लगा के उनको टीकाकरण लगवा। बहुत ही बढ़िया इंतजाम कर रखा है इन्होंने, किसी भी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और आज मेरे को लगता है कि पहले भी जो टोहाना में सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं की तरफ से कैंप लगाए गए हैं वो भी अच्छे गए हैं और आज का कैंप उनसे भी अच्छा जाने की उम्मीद है। क्या लगता है, जैसे कि लोग आगे आ नहीं रहे थे COVID-19 का इंजेक्शन लगवाने के लिए, आज लोगों को देखकर क्या लगता है कि विशाल कैंप जो लगाया गया लोगों के अंदर जागरूकता दिखाई दे रही है? मैं ये बताना चाहूँगा, जब से धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं और सोशल वर्कर्स आगे आए हैं उसकी वजह से ये जो इतना प्रसाद मिल रहा है लोगों को, उत्तेजना आ रही है लोगों में, बहुत ही खुशी का माहौल है और युवाओं तो बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं इसमें टीकाकरण में, और आगे भी ऐसे ही होगा, जितने भी कैंप लगेंगे उसमें भी इससे भी अच्छा कार्य हो। कुछ बताना चाहेंगे जो आज टीकाकरण कैंप लगाया है? आज का टीकाकरण कैंप यहाँ पे बहुत कामयाब कैंप लग रहा है और पूरा रिकॉर्ड टूटेगा टोहाना का, और संगत बड़ा जोरों शोरों से उसमें उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ CMO साहब पहुँचे हैं, SGM साहब पहुँच गए हैं, तो वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं वैक्सीनेशन के बारे में। सर क्या लगता है, लोगों के अंदर जागरूकता दिखाई दे रही है, लोग यहाँ पर टीकाकरण लगवाने के लिए पहुँच रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में और लोगों से आप भी अपनी तरफ से क्या अपील करेंगे? मेरी तो आपके माध्यम से पहले भी मैंने अपील की थी कि आज के दिन जो वैक्सीनेशन हो रही है और वो बहुत ही ज़रूरी है आने वाली वेव को रोकने के लिए, यही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँगा वैक्सीनेशन से पहले जो युवा साथी है मेरे, एक बार अपना ब्लड डोनेट ज़रूर करें ताकि कोरोना महामारी में रक्त की बहुत कमी देखने को मिल रही है, इसी वजह से वैक्सीन से पहले अगर रक्तदान किया जाए तो रक्त की कमी को भी हमारे युवा साथी उसको पूरा कर सकते हैं। ये देखिए।